ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए थे, पढ़ रहे थे हम टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इसमें हमने पढ़ लिया ऑटो इकोलॉजी। अब रह गया था सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी जो है ये क्या इन्वॉल्व करती है? इट इन्वॉल्व द रिलेशन ऑफ कम्युनिटीज। इसमें मुख्तलिफ कस्म की कम्युनिटीज आती हैं। कम्युनिटियों का एक दूसरे पर मुनहसर रहना ये इसमें आता है। उनके रिलेशन आपस में क्या है ये इसमें आती है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं सिन इकोलॉजी में एक कम्युनिटीज आती हैं, जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी इसमें आती है, ठीक है। इसी तरह कम्युनिटी इकोलॉजी, इस तरह बायोम इकोलॉजी। अब ये क्या होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी? अगर हम बोलेंगे इट इज स्टडी ऑफ ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये रेगुलेशन ऑफ और ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्टडी और स्ट्रक्चर इन ए पॉपुलेशन, ये इसमें देखा जाता है। किसमें? पॉपुलेशन में। यानी पॉपुलेशन पहले होती क्या है? ये होती है ए स्पीशीज रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स विच रिजाइडेड इन ए विच लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं हम क्या? पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन में आ सकती है कोई खास पॉपुलेशन, जैसे हम लेंगे इंसानों की पॉपुलेशन एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको डिजाइनेट किया है किसी पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए, ए इज ए पॉपुलेशन, ए इज पॉपुलेशन। सो हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ ए इंटरेक्ट्स विद अनदर ए, हाउ ए इंडिविजुअल, ए मीन्स यहाँ इंडिविजुअल, ठीक है ना, लिविंग इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। ये किस तरह से इस पर मुनहसर है, किस तरह उनकी रिलेशनशिप चलती है, ये इससे इसको इस पर किस तरह की रिलेशन है, इसको इसके साथ किस तरह की रिलेशन है, इसको इसके साथ किस तरह की रिलेशन है, ये मुनहसर करता है किस पे? इस पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो दूसरी दूसरा ग्रुप अगर हम देखेंगे दैट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। हियर यूनिट्स ऑफ स्टडी आर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज होती है, एक ही कस्म होती है। अब कम्युनिटीज में डिफरेंट स्पीशीज का जिक्र यहाँ पे आता है, मुख्तलिफ कस्म की स्पीशीज। दैट मीन्स प्लांट स्पीशीज भी आ सकती हैं, एनिमल स्पीशीज भी आ सकती हैं, ठीक है, या कोई और स्पीशीज भी आ सकती है। तो अगर हम यहाँ इन फिगर्स में आप देख सकते हो कि एक स्पीशीज मैंने डिजाइनेट किया एज ए टाइप ऑफ स्पीशीज, दूसरी मैंने डिजाइनेट किया एज बी दूसरी कस्म की स्पीशीज, थर्ड सी तीसरी कस्म की स्पीशीज। अब उनकी रिलेशनशिप यानी ए को बी के साथ किस तरह से है और बी को सी के साथ किस तरह से है, ये जो डिफरेंट यहाँ पर स्पीशीज आ गई उनकी इंटर रिलेशनशिप आपस में किस तरह से है, कैसे एक दूसरे पर मुनहसर हैं, किस तरह से उनका तालमेल हो जाता है, कौन कौन से डेवलपमेंट्स, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ये आती हैं किस में? इस कम्युनिटी इकोलॉजी में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड टाइप इज देयर बायोम, बायोम इकोलॉजी इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ इकोलॉजी विच कम्स अंडर सिन इकोलॉजी। तो इसमें क्या हम करते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ एन एरिया। तो इसमें अब आती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज। जैसे हमने कम्युनिटी में यहाँ पढ़ा था ए बी सी, ये कम्युनिटी यहाँ पर बन गई थी। अब यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज आ गई, यानी यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटीज, यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ कस्म के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, या मुख्तलिफ कस्म के कम्युनिटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम फिगर में दिखाएंगे इससे क्लियर होता है, एक कम्युनिटी मैंने ली है यहाँ पर ए बी एंड सी, ये एक कम्युनिटी बन गई, यानी इसमें डिफरेंट कस्म के पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रुप्स इसमें डिफरेंट हैं। तो कम्युनिटी बन गई यहाँ पर, ए है अलग पॉपुलेशन है, बी अलग स्पीशीज है, सी अलग है, ठीक है। इसी तरह एक और यहाँ पर लेंगे हम
डी ई एफ और जी, इनकी आपस में जो रिलेशन है ये किस तरह है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ये कैसे डिपेंड है, इनका तालमेल किस तरह से चलता है, ठीक है। तीसरी स्पीशीज यहाँ पर अगर हम ये वायु बनाते हैं, ये कम्युनिटी लिखते हैं, इट इज एक्स वाई और जेड, मैंने लिखा है एक्स को वाई के साथ किस तरह से तालमेल है, वाई को जेड के साथ और जेड एक्स पे किस तरह डिपेंडेंट है। तो अब ये तीनों मिलाकर ये एक बायोम सा बन गया है, यानी मुख्तलिफ कस्म की कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व हो गई है, मुख्तलिफ कस्म की कम्युनिटीज जब इसमें आ गई है, अब इस कम्युनिटी के साथ कैसा रवैया है, इस कम्युनिटी का इसके साथ कैसा है, इस कम्युनिटी का इसके साथ कैसा है, उनकी ये जो ये डेवलपमेंट है कैसे चलती है, ठीक चलती है या गलत चलती है, पॉजिटिव में आती है नेगेटिव में आती है, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है, कौन डेवलप कर अपने आप को कर सकती है, या किसको कितने पर किसको कितना डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे पर, ठीक है ना, ए बी पर कितना डिपेंड है, या ये ए इस डी पर कितना डिपेंड है, या ये एफ या अदर जेड पे कितना डिपेंड है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है, ठीक है, इसमें इस बायोम कम्युनिटी में, बायोम इकोलॉजी में, ठीक है। तकरीबन मुझे लगता है ये टॉपिक।